हम चार्ट के पार्ट्स को समझेंगे। हमने टाइप्स के बारे में जाना कि चार्ट के क्या क्या टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे चार्ट, जब एक चार्ट लगता है उसका क्या पार्ट होता है। जैसे आपके सामने एक कॉलम चार्ट दिख रहा है, इसके पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है चार्ट एरिया, जिसमें पूरा का पूरा चार्ट कवर है। फिर आता है प्लॉट एरिया, जिसपे आपका सीरीज है। फिर आता है आपके सीरीज आते हैं ये एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस आता है। और फिर आपके आता है टाइटल्स आते हैं। अब इसमें इसके लेआउट और जो प्लस का सिंबल यहाँ पे दिख रहे हैं, और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप एक्सिस का टाइटल यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लेबल्स यूज कर सकते हैं, डेटा टेबल ऐड कर सकते हैं, एरर बार ऐड कर सकते हैं, ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं, ला सकते हैं, लेजेंड्स यूज कर सकते हैं, या ट्रेंड लाइन दे सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ये चीज़ें भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसके डिजाइन है। क्या होता है कि जब आप कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो एक्सेल उस ऑब्जेक्ट को समझ के उससे रिलेटेड उस प्री डिफाइंड स्टाइल आपको सजेस्ट करता है। ये हर चार्ट में अलग अलग रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने आपके चार्ट को समझ के इसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लेआउट को इसने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल के बाद आता है एक लेआउट। आप यहाँ देखेंगे तो इसको बोलते हैं लेआउट, कि चार्ट का लेआउट मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये तो डिजाइन है कि आपका डिजाइन कैसा होना चाहिए, और लेआउट बताता है कि आपके चार्ट का लेआउट कैसा होना चाहिए। ये आपके चार्ट का लेआउट बताता है। तो जैसा लेआउट आप यूज करना चाहे उस तरह से कर सकते हैं। तो चार्ट के पार्ट, अलग अलग पार्ट की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। जैसे मान लीजिए मुझे चार्ट एरिया को फॉर्मेट करना है, तो इस पर राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाऊंगा, जहाँ पे हम अलग अलग कलरिंग है। मान लीजिए सॉलिड फिल करना है, कोई और कलर फिल करना है तो फिल कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना है कम कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमने प्लॉट एरिया सेलेक्ट किया तो ये देखिए फॉर्मेट प्लॉट एरिया आता है। आप अगर चाहते हैं कि प्लॉट एरिया को एक अलग कलर दिया जाए तो प्लॉट एरिया का भी एक अलग तरह की फॉर्मेटिंग होती है, उसकी भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग, ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारी चीज़ें होती है। उसी तरह से सीरीज को जो आपने सेलेक्ट किया तो सीरीज के ऊपर आपके फॉर्मेट्स हैं और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने एक्सिस को सेलेक्ट किया तो ये देखिए आपका फॉर्मेट एक्सिस होता है, और फॉर्मेट एक्सिस के ऊपर आप अपने हिसाब से जो कलर करना चाहे वो कलर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं टाइटल सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट एक्सिस टाइटल सेलेक्ट हो जाता है। अगर टाइटल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट चार्ट टाइटल। तो जो चार्ट का एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी एक अलग अपनी फॉर्मेटिंग है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कलर ले लिए, ग्लिन ले लिए, पिक्चर ले लिए, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा।